इंडिया में जब भी हम इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तो सबसे पहली कंपनी जो हमारे दिमाग में आती है वो है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी टैगलाइन जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी हर किसी की जुबान पर है। LIC लोगों के थ्रू सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया जाने वाला ब्रांड है जो हर तरह के लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में डील करता है। कई सारे ऑप्शंस में से एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, इसीलिए PolicyX आपके लिए लाया है 6 बेस्ट LIC प्लान्स उनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ। 6 LIC प्लान्स जो हम डिस्कस करेंगे वो हैं LIC जीवन अमर, LIC टेक टर्म प्लान, LIC न्यू चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान, LIC न्यू जीवन आनंद, LIC जीवन उमंग, LIC जीवन प्रगति। हमारी एक्सपर्ट एडवाइस आपके लिए ये रहेगी कि इनमें से कोई भी पॉलिसी चूज करने से पहले आप खुद से ये समझें कि उस पॉलिसी को खरीदने के पीछे आपका क्या मोटिव है। अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना या फिर आपके गुजर जाने के बाद उन्हें एक रेगुलर इनकम प्रोवाइड करवाना। हमारी लिस्ट में पहला प्लान है LIC जीवन अमर। LIC जीवन अमर प्लान LIC ऑफ इंडिया ने अगस्त 2019 में लॉन्च किया। ये एक प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है जो कि इंश्योर्ड पर्सन की डेथ होने पर उसकी फैमिली को एक फिक्स सम एश्योर्ड प्रोवाइड करता है। LIC जीवन अमर प्लान में कोई भी व्यक्ति सिर्फ 18 टू 65 इयर्स की एज पर ही एंट्री ले सकता है, वो भी सिर्फ 10 से 40 साल के ही पॉलिसी टर्म के साथ, जहां वो पॉलिसी की मैच्योरिटी एज मैक्सिमम 80 इयर्स तक ले जा पाएगा विद मिनिमम सम एश्योर्ड ऑफ 25 लाख। ये प्लान इंश्योर्ड पर्सन को रिस्क कवर के अलावा किसी तरह के कोई रिटर्न्स ऑफर नहीं करता। LIC जीवन अमर प्लान के प्राइमरी फीचर्स और बेनिफिट्स कुछ इस तरह हैं। इस प्लान में व्यक्ति को दो तरह के डेथ बेनिफिट कवर मिलते हैं। फर्स्ट इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, सेकंड लेवल सम एश्योर्ड। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड होता है जहां 5 साल तक डेथ बेनिफिट अमाउंट बेसिक सम एश्योर्ड के जितना सेम रहता है और 5 साल बाद ये अमाउंट छठे साल से हर साल 10% की रफ्तार से बढ़ता है आने वाले अगले 15 सालों तक, जब तक सम एश्योर्ड डबल नहीं हो जाता। दूसरी तरफ लेवल सम एश्योर्ड होता है जहां बेनिफिशियरी को पॉलिसी परचेज करते टाइम लिया हुआ सिर्फ बेसिक सम एश्योर्ड प्रोवाइड करा जाता है। LIC जीवन अमर प्लान में लिया हुआ सम एश्योर्ड अब टाइम टू टाइम इंक्रीज भी कर सकते हैं। इस पॉलिसी का प्रीमियम दो चीजों के बेस पर कैलकुलेट किया जाता है, फर्स्ट स्मोकर, सेकेंड नॉन स्मोकर। नॉन स्मोकर वाली कैटेगरी के लोगों के लिए एक मेडिकल टेस्ट कंपल्सरी है। इस लिस्ट में दूसरा प्लान है LIC टेक टर्म प्लान। LIC टेक टर्म भी एक प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है जो कि इजीली ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू अवेल किया जा सकता है। इसमें एंट्री एज है 18 टू 65 इयर्स, जहां कोई पर्सन 10 साल से 40 साल तक का पॉलिसी टर्म ले सकता है। मेडिकल एग्जामिनेशन देने के साथ साथ इस प्लान का मिनिमम सम एश्योर्ड 50 लाख है। इस प्लान के कुछ प्राइमरी फीचर्स और बेनिफिट्स ये हैं कि ये बिना किसी मिडलमैन के इन्वॉल्वमेंट के इजीली ऑनलाइन परचेज किया जा सकता है। वुमेन्स एंड नॉन स्मोकर कैटेगरी के लोगों के लिए इस प्लान के प्रीमियम पर एक्स्ट्रा कंसेशन भी अवेलेबल है। टैक्स बेनिफिट के अलावा ये प्लान हाई सम एश्योर्ड रिस्क कवर भी ऑफर करता है। इस लिस्ट में तीसरा प्लान है LIC न्यू चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान। LIC न्यू चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान स्पेशली डिजाइन किया गया है बच्चों की एजुकेशन, मैरिज एंड उनकी बाकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ आपको लाइफ रिस्क कवर के साथ सर्वाइवल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इस पॉलिसी में एंट्री एज है सिर्फ 12 साल से कम तक के बच्चों की, जिसमें वो 25 साल तक का पॉलिसी टर्म चला सकते हैं, वो भी 1 लाख तक के मिनिमम सम एश्योर्ड के साथ। इस पॉलिसी के लिए कोई मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है। इसके प्राइमरी फीचर्स और बेनिफिट्स कुछ इस प्रकार हैं। इस प्लान में मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। 3 साल तक लगातार प्रीमियम पे करने पर इस पॉलिसी पर लोन फैसिलिटी भी अवेल करी जा सकती है। इस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट और सर्वाइवल बेनिफिट्स दोनों मिलते हैं, जहां डेथ बेनिफिट के अंदर सम एश्योर्ड प्रोवाइड करा जाता है और सर्वाइवल बेनिफिट में बच्चे के 18 साल के होते ही अगले हर 2 साल में उसे सम एश्योर्ड का 20% दिया जाता है। इस लिस्ट में चौथा प्लान है LIC न्यू जीवन आनंद प्लान। LIC न्यू जीवन आनंद एक ट्रेडिशनल एंडोमेंट प्लान है जिसे कोई 18 से 50 साल के बीच का पर्सन ले सकता है। मिनिमम सम एश्योर्ड यहाँ है 1 लाख का एंड मैक्सिमम के लिए नो लिमिट्स। इस प्लान के थ्रू भी कस्टमर्स को लोन फैसिलिटी मिल जाती है और साथ ही साथ कस्टमर सेक्शन 80C के तहत इस प्लान के जरिए टैक्स बेनिफिट्स भी अवेल कर सकते हैं। इस प्लान के प्राइमरी फीचर्स और बेनिफिट्स कुछ इस प्रकार हैं। ये प्लान पूरी फैमिली के लिए फाइनेंशियल कवरेज प्रोवाइड करता है। सर्वाइवल के केस में ये प्लान डबल डेथ बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है और इस प्लान की मैच्योरिटी पर पॉलिसी होल्डर को एक लमसम अमाउंट प्रोवाइड करा जाता है।
इस पॉलिसी की खास बात ये है कि मैच्योरिटी के बाद भी अगर पॉलिसी होल्डर अलाइव है देन रेगुलर प्रीमियम पे करने पर भी वो पर्सन इंश्योरेंस कवरेज के बेनिफिट्स ले सकता है। इस लिस्ट में पांचवा प्लान है LIC जीवन उमंग। LIC जीवन उमंग डुअल बेनिफिट्स के साथ अर्निंग्स एंड सेविंग्स दोनों कवर करता है। ये प्लान कस्टमर्स को 100 साल की कवरेज प्रोवाइड करता है, जो कि इस इंश्योरेंस पॉलिसी का सबसे एक्सेप्शनल फीचर है। इस पॉलिसी में कस्टमर्स को डेथ बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट, सर्वाइवल बेनिफिट तीनों चीजें मिलती हैं। यहाँ मिनिमम सम एश्योर्ड भी 2,00,000 का है। इस प्लान में पॉलिसी टेन्योर सर्वाइव करने पर कस्टमर को हर साल सम एश्योर्ड का 8% सर्वाइवल बेनिफिट के तौर पर मिलता है। ये प्लान रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्लान की तरह भी काम में लिया जा सकता है। इस लिस्ट का लास्ट छठा प्लान है LIC जीवन प्रगति। LIC जीवन प्रगति एक एंडोमेंट प्लान है, जिसका खास फीचर ये है कि इस प्लान के अंडर हर 5 साल में रिस्क कवरेज अमाउंट का ऑटो इंक्रीमेंट हो जाता है। ये प्लान मनी प्रोटेक्ट करने के साथ साथ सेविंग्स में भी बहुत काम आता है। इस प्लान को सिर्फ 12 से 45 साल तक के लोग ही ले सकते हैं। यहाँ मिनिमम सम एश्योर्ड है 1,50,000 का। इसमें कस्टमर सेक्शन 80C एंड सेक्शन 10D ऑफ इनकम टैक्स के तहत टैक्स बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। इस प्लान में डेथ बेनिफिट एंड मैच्योरिटी बेनिफिट दोनों अवेलेबल हैं।